सभी भाइयों को नमस्कार। ड्रीम शॉट टिप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिकेट के जो शानदार मुकाबले चालू होने वाले हैं। आज पहला मुकाबला है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का वार्म अप मैच का पहला मैच है यहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे। शानदार मैच होने वाला है श्रीलंका वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच में, उसी के बारे में बात करेंगे। पूरी की पूरी प्लेइंग 11 सेट करेंगे और ये जानेंगे कौन से प्लेयर की परफॉर्मेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे हमारे को अच्छे खासे पॉइंट्स दिलाने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ आपको बात बता दूं कि यहाँ वर्ल्ड कप के 2019 के जो भी मैच होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ कवर करेंगे। अच्छी खासी विनिंग हम यहाँ करने वाले हैं, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में यहाँ हमारी टीम बनाकर चलेंगे और पूरे वर्ल्ड कप के मैच के अंदर उम्मीद ये करेंगे कि अच्छी खासी यहाँ पे टीम बनाए और अच्छी खासी यहाँ से विनिंग करें। फ्रेंड्स यहाँ आपको एक बात बता दूं मैं कि ड्रीम इलेवन के अंदर थोड़ा सा प्लेयर्स के ऊपर जो चेंज हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कि पहले हम जो विकेट कीपर एक सेलेक्ट करते थे, यहाँ अब हमारे पास में ऑप्शन रहेगा एक से चार विकेट कीपर सेलेक्ट कर सकते हैं। बैट्समैन के अंदर तीन से छः बैट्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराउंडर के अंदर एक से चार ऑलराउंडर सेट कर सकते हैं और बॉलर के अंदर तीन से छः बॉलर सेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सेटअप हो गया है। अब हम यहाँ पर हमारे जो टॉप ऑर्डर के सारे बैट्समैन और बॉलर होंगे सबको यहाँ पर मौका दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक बात और बता दूं कि प्लेयर्स वही 11 सेलेक्ट करने हैं, कहीं कोई उस चीज़ में चेंज नहीं है। और जो क्रेडिट हमारे को मिलेंगे वो के वही है 100, उसमें भी किसी तरीके का चेंज नहीं हुआ है। केवल यहाँ पर प्लेयर्स की क्वांटिटी में हमारे चेंज हुआ है कि किन प्लेयर्स को कितना कितना हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जुड़ जाएं ताकि लास्ट मोमेंट पे होने वाले चेंजेस की जानकारी जो है वो हम यहीं पे डालते हैं। आपको सर्च करना है ड्रीम श्योर टिप्स टेलीग्राम के ऊपर और यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। और यदि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसी के ऊपर आपको लिंक से शेयर कर दिया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स फटाफट से बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम आज का जो मुकाबला खेले जाने वाला है श्रीलंका वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच में, उसी के बारे में ये वार्म अप मैच है तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। पिच कंडीशन की बात करूँ तो ये जो मैच है ये सोफिया गार्डन्स में कार्डिफ के अंदर खेले जाने वाला है और जो पिच है वो न्यूट्रल है, ज़्यादातर बैट्समैन को सपोर्ट देने वाला पिच है। यहाँ पर प्रोबेबल 11 अफ्रीका के और यहाँ पर श्रीलंका के दोनों के मैंने यहाँ डाल दिए हैं। इनका बैटिंग ऑर्डर उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने इनको यहाँ पे लिस्ट करा हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बोलने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आइए बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में। यहाँ पर एक बार बात करने से पहले मैं आपको बात बता दूँ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में जो मुकाबला खेले जाने वाला है इसके अंदर मुझे थोड़ा सा पलड़ा भारी जो है वो साउथ अफ्रीका का लगता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये रहेगी इनकी विन की, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ हमारी टीम बनाते हुए चलेंगे। इनके जो प्लेयर है डेल स्टेन, ये हमारे को यहाँ पर इस वाले मैच को भी मिस करेंगे क्योंकि इनकी फिटनेस कंडीशन जो है वो अभी ठीक नहीं है, इस वाले मैच के अंदर ये शामिल नहीं होंगे। केजिसो रबाडे जो है उनकी फिटनेस कंडीशन का भी इशू चल रहा है, डाउटफुल है थोड़े से, अभी प्रॉपर तरीके से इस चीज़ के लिए अपडेट्स नहीं आए कि ये 100% प्लेइंग 11 में शामिल होंगे या नहीं होंगे। फिट यदि रहे ये तो इस वाले टीम के अंदर ही हमारे को दिखेंगे, वैसे खेलने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रही है इनके। क्वेंटन डीकॉक और एच आमला जो है हमारे को यहाँ पर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे और फर्स्ट डाउन के ऊपर शानदार बैट्समैन, आईपीएल में भी इनकी परफॉर्मेंस हमने देखी हुई है। फैफ डी प्लेसेस यहाँ पर हमारे को फर्स्ट डाउन में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। आइए बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका ने जो अपना वर्ल्ड कप 2019 का स्क्वाड है वो पूरी तरीके से चेंज कर लिया और अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ में आज उतरने के लिए वो यहाँ पे तैयार है। यहाँ टीम में थोड़ा सा प्लेयर्स के चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पे लशित मलिंगा या फिर एस लकमल दोनों में से कोई भी आज हमारे को यहाँ टीम में नजर आएगा। और बात करें परेरा की और एल थिरेमानी, इन दोनों में से भी कोई एक प्लेयर नजर आएगा। लास्ट मोमेंट पे जो भी टॉस के बाद में जो चेंजेस होंगे वो टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। वैसे जो चांसेस है कुशल परेरा की यहाँ पर बनी हुई है खेलने की, प्लेइंग 11 में शामिल होने की। यहाँ बात कर लें हमारे ओपनिंग सेक्शन में, तो ओपनिंग सेक्शन में डी करुणारत्न जो है ये हमारे को ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे आविष्का फर्नांडो के साथ में, शानदार परफॉर्मेंस है इनकी। कुशल परेरा यदि शामिल होते हैं तो फर्स्ट डाउन के ऊपर ये नजर आएंगे, सेकंड डाउन के ऊपर कुशल मेंडिस हमारे को यहाँ पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। आइए बात कर लेते हैं कुछ एक टिप्स के बारे में। जिस तरीके से प्लेइंग 11 के अंदर अब ये चीज़ चेंज हो गई कि पहले विकेट कीपर जो था वो आप एक ही ले सकते थे, अब विकेट कीपर आप यहाँ पर तीन ले सकते हो, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास में ये रहेगा। तो यहाँ पर हम हमारी टीम के अंदर तीन टॉप ऑर्डर के जो विकेट कीपर हैं जिनकी बैटिंग ऑर्डर भी अच्छी है उनको यहाँ पर लेना पसंद करेंगे। तो आप यहाँ पर कुशल परेरा के मेंडेस या फिर और क्वेंटिन टीकॉक तीनों को ही यहाँ पर मौका दे सकते हैं, अच्छा खासा इनका जो है यहाँ पर प्लेइंग परफॉर्मेंस रहता है तो यहाँ पर अच्छी खासी पॉइंट हमारे को यहाँ मिल सकती है। और साउथ अफ्रीका की टीम की विनिंग के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर टीम बनाने की कोशिश करी है, तो उसी हिसाब से आप भी अपनी उसी लेवल के ऊपर टीम बनाने की कोशिश करें। टॉप ऑर्डर के जो भी बैट्समैन है वो सारे के सारे ले लें और बॉलिंग सेक्शन को भी अब यहाँ पर हम पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं कि आज के प्लेइंग 11 में हमने किन किन प्लेयर्स को यहाँ पर लिया हुआ है।
देखिए विकेट कीपर के सेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे तीन विकेट कीपर्स लिए हैं। क्विंटन डीकॉक को मैंने लिया है, कुशल मेंडिस को लिया है, कुशल परेरा को लिया है। तीन मैंने यहाँ पर टॉप ऑर्डर के तीनों को यहाँ पर लिए हैं। अच्छी खासी परफॉर्मेंस इनसे हमारे को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बैटिंग सेक्शन भी इनका अच्छा है। और बैट्समैन की बात करूँ तो बैट्समैन के अंदर मैंने यहाँ पर चार बैट्समैन को लिया है। फैफ डी प्लेसिस को लिया है, ए मैथ्यू को लिया है, एच अमला को लिया है मैंने, और चौथे नंबर पर ए मार्कराम को लिया है। ऑलराउंडर के अंदर मैंने एक ही ऑलराउंडर यहाँ लिए हैं, डी सिल्वा को मैंने यहाँ पर लिया है। बॉलिंग सेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर टॉप ऑर्डर के तीनों बॉलर्स को लिया है। लशिन मलिंगा का भी हमारे को मालूम नहीं है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे। बाकी तीन बॉलर्स को मैंने यहाँ पर लिया है, कि रबाडा को लिया है, इमरान ताहिर को लिया है, एस लकमल को लिया है। एक बार आइए फटाफट से टीम के ऊपर प्रीव्यू कर लेते हैं और कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पूरी की पूरी टीम यहाँ आपके सामने है। कैप्टन और वाइस कैप्टन के अंदर मेरी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी वो क्विंटन डीकॉक रहेगी, और वाइस कैप्टन के अंदर मैं फैफ डी प्लेसिस के साथ में जाना पसंद करूंगा। आप चाहे तो इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, टीम यही रहेगी। और बाकी किसी तरीके की भी कोई चेंजेस रहते हैं, कोई प्लेइंग 11 में शामिल नहीं रहता है, वो टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। और टेलीग्राम पे जुड़े बिना इस टीम को फाइनल मानकर प्लीज़ नहीं लगाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।